एजी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं दर्शन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑप्टिक्स के नए टर्म्स को देखने वाले हैं, जिस टर्म्स का नाम है प्रकाश का परिक्षेपण। प्रकाश का परिक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण, क्या कहा जाता है इसको? प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण, इंग्लिश में इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर समझिएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है। जब देखिए, जब श्वेत प्रकाश किरणें, सूर्य से जो किरणें निकलती है वो श्वेत प्रकाश किरणें होती है। जब श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने की इसी घटना को क्या कहते हैं? तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट्ट, या इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और सात रंगे जो होती है वह कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। देखिए, समझिएगा सात रंगे कौन कौन सी प्राप्त होती है। तो वी आई, उसके बाद क्या होता है बी, उसके बाद जी, उसके बाद वाई, उसके बाद ओ और आर। सात रंगे हमें प्राप्त होती है जो इस प्रकार की होती है। देखिए, किसी प्रिज्म से होकर, जैसे यहां पर प्रिज्म है, ठीक है, यह प्रिज्म हो गया, और प्रिज्म से होकर जैसे श्वेत प्रकाश किरणें आई और यह प्रिज्म में ऐसे जाती, लेकिन यह परिक्षेपित होकर के, यह परिक्षेपित होकर के ऐसे आ जाती है, ठीक है, ऐसे आकर के ऐसे आती है, ठीक है। यह सात रंगों में यहां से भी डेविएट होती है, यहां से भी डेविएट होकर के, और यह सात रंगों में प्राप्त हो जाती है, सात रंगों में प्राप्त हो जाती है। और जो ये सात रंगे प्राप्त होती है, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, और यहां से एक और रंग आएगा, ठीक है। यह जो सात रंगे प्राप्त होती है, यही इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और यह श्वेत रंग होता है, क्या होता है? श्वेत किरणें होती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश की जब श्वेत रंग की प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सात रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब समझिएगा यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या बनते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल है, पूरा एकेडमिक नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव लेवल में जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर यह तो हमने दिखा दिया कि प्रिज्म से होकर गुजरी और सात रंगों में विभक्त हो गई। यह जो सात रंग इस प्रकार होती है, देखिए बैगन, इसे भी का इंग्लिश होता है वायोलेट। क्या होता है? वायोलेट। वायोलेट को इंग्लिश में, हिंदी में बैगनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैगनी। समझिएगा, इसे क्या कहा जाता है? बैगनी कहा जाता है। उसके बाद आई का हिंदी होता है इंडिगो। क्या होता है? इंडिगो। क्या होता है? इंडिगो। क्या होता है? इंडिगो। इंडिगो की हिंदी में आसमानी या जामुनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसमानी, आसमानी, या इसे जामुनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जामुनी, आसमानी या जामुनी। और इसे बी से क्या होता है? ब्लू। क्या होता है? ब्लू। बी से क्या होता है? तो ब्लू होता है। समझिए, यहां पर बी से ब्लू हो जाता है। समझिए, यहां से बी से क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू को हिंदी में क्या कहते हैं? नीला कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला। अब समझिए, जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा ग्रीन। क्या हो जाएगा? ग्रीन। और इसे क्या कहते हैं? हरा। इसे हरा। वाई से क्या हो जाएगा? येलो। येलो। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? पीला, ठीक है। अब देखिए, ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज। क्या हो जाएगा? ऑरेंज, जिसे हिंदी में नारंगी कहते हैं, ठीक है, नारंगी कहते हैं। अब समझिए, आर से रेड। आर से क्या हो जाएगा? रेड। रेड, जिसे क्या कहते हैं? लाल। अब समझिए, यहां पर समझिएगा कि यह जो हमारे सात रंग हैं, जब श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सात रंगों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने की इसी घटना को प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तब देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, हम क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, यह जो सात रंगों में लाल वाला जो होता है, यहां पर जो हमने प्रिज्म बनाया था, इस प्रिज्म में ऐसे बनाया था मैंने यह प्रिज्म, यह समझिएगा यह प्रिज्म है, मान लीजिए कि यह प्रिज्म है। जब श्वेत किरणें आई तो ऐसे डिस्पर्स हुई, ठीक है, यह डिस्पर्स होकर के जिस पट पर आई, यहां पर तो सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? सबसे ऊपर लाल। और सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे जो होता है वह बैगनी होता है। बस हमें दो ही बातों को ध्यान में रखना है, यानी सबसे ऊपर कौन है? तो लाल। क्या है? सबसे ऊपर लाल, और नीचे क्या है? बैगनी। यहां पर दिखाई दे रहा, ठीक इसी प्रकार के हमें वर्ण पट पर रंगे प्राप्त होती है। तो हमें रंगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि रंगों से ही क्वेश्चन
देखने को मिलते हैं। तो यहां पर समझिए सबसे ऊपर लाल हो गया, सबसे नीचे बैगनी हो गया। तो इसके ऊपर और नीचे होने से संबंधित जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसको हम दिखाते हैं। देखिए अब यहां से क्वेश्चन क्या करता है कि जिसका जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा वह सबसे ऊपर रहेगा और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वह सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, अब पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम इसका होता है। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 3900 से 4100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ठीक है, किसका? बैगनी का। अब समझिए यहां पर कि जो रेड होता है, रेड रेड कलर को देखिएगा, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। अब नीचे से ऊपर की तरफ तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, यह तरंग दैर्घ्य है। क्या है? तरंग दैर्घ्य। एकदम आराम से समझिएगा, यह तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ इसे इंग्लिश में कहते हैं। और नीचे की तरफ क्या आता है, विचलन। क्या आता है? विचलन यानी डेविएशन। क्या होता है? डेविएशन। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जिसका जो भी व्यक्ति हो किसी भी कार्य में, अगर उसका धैर्य अगर अच्छा है, धैर्य अच्छा है, धैर्य बढ़िया है, धैर्य ज्यादा है, तो वह व्यक्ति जो है काफी कम क्या होगा, विचलित होगा। जो भी व्यक्ति हो अगर उसका धैर्य अच्छा है तो वह व्यक्ति विचलित कम होगा। तो इससे उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि जिसका धैर्य ज्यादा होगा, धैर्य का मतलब तरंग दैर्घ्य, जिसका धैर्य ज्यादा होगा वह विचलित कम होगा। यानी तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, लाल का ज्यादा होता है। किसका होता है? लाल का ज्यादा। सबसे कम किसका? तो बैगनी का। नीचे से ऊपर की तरफ तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है और विचलन क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसी बात को कि जिसका धैर्य ज्यादा है, ठीक है, जिसका धैर्य ज्यादा है वह विचलित कम होगा। यह तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी काम क्या होता है, धैर्य रखने से ही संपूर्ण होता है, विचलित कम होता है। ठीक है, जिसका धैर्य ज्यादा होता है वह विचलित कम होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर धैर्य किसका ज्यादा है, तो धैर्य लाल का ज्यादा है। तो धैर्य का जब लाल का जब धैर्य ज्यादा है, धैर्य का मतलब क्या हुआ, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो इसका विचलन क्या होगा, कम होगा। इनका विचलन क्या होगा, इसका विचलन कम होगा। और इसका विचलन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। विचलन का मतलब क्या होगा, अरे सबसे अधिक विचलित हो रहा है तभी ना सबसे नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो हम लोग वर्णपट पर या जो किरणें यहाँ से प्राप्त होती है, या किरण है, तो सबसे अधिक यह नीचे वाला विचलित होता। तो नीचे वाला जब विचलित होता तो नीचे वाले का क्या होता, सबसे अधिक विचलन होता, सबसे अधिक विचलन, और सबसे कम धैर्य होता। जब देखिए जिसका धैर्य कम रहेगा वह तुरंत चेंज होते रहता है, उसका विचलन कभी इधर कभी उधर जाते रहता है। तो वही बात यहाँ पर लागू होगा कि इसका धैर्य क्या है, धैर्य कम है। जब धैर्य कम है तो इसका विचलन क्या है, अधिक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसके होते हैं, तो लाल के। सबसे अधिक जब तरंग दैर्घ्य है, सबसे अधिक धैर्य है, तो विचलित कम होगा, यानी इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो चलिए अब यहां से समझिएगा एक बार फिर से प्रकाश के गण विक्षेपण को समझिएगा कि जब प्रकाश किरणें जब श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों यानी सात रंगों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने की इसी घटना को प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। और जो हमें रंग प्राप्त होती है वह जियोर के नाम से प्राप्त होती है। और इसको याद करने के इस रंग को याद करने का एक ट्रिक होता है, विव जियोर। क्या होता है? विव जियोर। इंग्लिश वाले के लिए विव जियोर, इंग्लिश वाले के लिए विव जियोर, और हिंदी वाले के लिए बैनिया हपिनाला, बैनिया बै जानी हपिनाला। क्या होता है? बैजानी हपिनाला। इन रंगों के यानी वर्ण पर रंगे जो होती है, वो पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रंगे वर्ण पट पर है, तो सातों रंगे होती है। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कि बैजानी हपिनाला, बै से क्या हो जाता है, बैगनी, जा से हो जाता है जामुनी, नी से नीला। देखिए यहां पर बैगनी आसमानी या बयानी भी से कहा जाता है। ठीक है, बैगनी आसमानी, उसके बाद नी से नीला हो गया, ह से हरा, पी से पीला, ना से क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ना से हो गया नारंगी, और ला से क्या हो जाएगा, लाल। और वीर जी और को समझिएगा, बी से वायोलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, उसके बाद जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड हो गया। वीर जी और भी इसे इंग्लिश में वीर जी और हिंदी वाले के लिए बैजानी हपिनाला होता है। तो यह हमारा हो गया वर्णपट या स्पेक्ट्रम हो गया, यानी वर्णपट और स्पेक्ट्रम से हमें जो तथ्य प्राप्त होती है वह प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वह बनते हैं कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से रंग का होता है, तो सबसे ऊपर कौन होता है, आर होता है। इसमें भी इसको ध्यान में रखिएगा, विद्योर को सबसे लास्ट में जो आएगा उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, उसका धैर्य क्या है, ज्यादा है, तो विचलन कम होगा।
जिसका धैर्य ज्यादा उसका विचलन कम और सबसे कम इसका होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां पर बातों को ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। तो हम लोग इंद्रधनुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इंद्रधनुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इंद्रधनुष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इंद्रधनुष को देखेंगे कि आखिर इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष को देखेंगे कि आखिर इंद्रधनुष होता क्या है। समझिए यहां पर इंद्र धनुष, हम लोग ट्रिक के द्वारा पूरे फिजिक्स को देखेंगे, पूरे बायोलॉजी, पूरे केमिस्ट्री को पूरे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जहां जैसी ट्रिक की आवश्यकता होगी वहां आपको दिया जाएगा। इंद्रधनुष में भी जहां जहां जरूरत है वहां ट्रिक आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए जब रिमझिम बरसात होती है, रिमझिम बरसात होती है, ठीक है, तो वर्षा की जो बूंदे होती है, छोटी छोटी बूंदे, उस पर सूर्य की किरणें क्या होती है, जब सूर्य की किरणें उस पर आपतित होती है तो वह जो छोटे छोटे वर्षा के बूंद होते हैं वह इंद्र वह प्रिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं। और जब प्रिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं तो वहां पर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष के निर्माण होने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष के निर्माण होने का कारण है अपवर्तन और परावर्तन। क्या है, अपवर्तन और परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके कारण है, किसके किसके कारण है, तो इंद्रधनुष बनने के कारण है। इसे इंग्लिश में रेनबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनबो, इंग्लिश में इसे रेनबो कहा जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, तो कारण हम लोगों ने जान लिया क्या है, अपवर्तन और परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब क्वेश्चन बनता है इसके प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष पर। पहले हम लोगों ने देखा कि इंद्रधनुष क्या है, तो रिमझिम बरसात में जब वर्षा की छोटे छोटे बूंदे होती है वह प्रिज्म की भांति, जब उस पर प्रकाश की किरणें, सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह प्रिज्म की भांति कार्य करने लगता है। और इसी घटना को इंद्रधनुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, अपवर्तन और परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष भी दो प्रकार का होता है, इंद्रधनुष भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। और यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। क्या होता है, प्राइमरी रेनबो। एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। अब समझिएगा प्राइमरी रेनबो क्या होता है, यानी और यह क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो। क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो। यह होता है प्राइमरी और यह होता है सेकेंडरी। हमने इंद्रधनुष को देख लिया, यह इंद्रधनुष के क्या है, प्रकार है। देखिए प्राइमरी रेनबो जो होता है, प्राइमरी रेनबो जो होता है और सेकेंडरी रेनबो को हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें जानेंगे कि क्या होता है, क्या है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने के जो कारण है, देखिए यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष इसमें होता क्या है, तो यह प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो क्या होता है कि पहले टर्म्स में क्या होता है कि इसमें दो बार अपवर्तन और दूसरे टर्म में क्या होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में। फिर से समझिएगा, इसमें क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखिए इसमें पूछता है कि कौन से रंग अंदर और कौन से रंग बाहर होते हैं, किसमें, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में। जब प्राथमिक इंद्रधनुषों की जो रंगों की पेटी चलती है तो उसमें कौन से रंग अंदर और कौन से रंग बाहर, यानी जो प्राथमिक इंद्रधनुष के बनते हैं तो उसमें जो रंग बिखरते हैं उस रंग में कौन सा रंग अंदर और कौन सा रंग बाहर होता है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको दिखाने वाले हैं। देखिए इसमें अंदर जो होता है, अंदर होता है बैगनी। क्या होता है, अंदर होता है बैगनी और बाहर क्या होता है, बाहर होता है लाल।
अंदर होता है बैंगनी और बाहर होता है लाल, किसमें? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में। प्राथमिक इंद्रधनुष जब सूर्य से किरणें आपतित होती है, जब सूर्य की किरणें आपतित होती है तो वर्षा के बिंदुओं पर तो दो बार अपवर्तन और एक बार पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। और इस अपवर्तन और पुनः आंतरिक परावर्तन में जो हमें रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उस पट्टी में बैंगनी अंदर होता है और लाल क्या होता है? बाहर होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि यह हमारे आंखों के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है? तो इस एंगल को देखते हैं, ठीक है? यह जो एंगल जो है यह 42.8 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं? 42.8 डिग्री, ठीक है? 42.8 डिग्री लाल वाला बनाता है, ठीक है? 42.8 डिग्री लाल वाला, ठीक है? 42.8 डिग्री, जिसे 43 डिग्री भी कहा जाता है। और यह जो हमारा है ये 40.8 डिग्री का बनाता है, जिसे 41 डिग्री माना जाता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि प्रकाश की किरणें प्राथमिक इंद्रधनुष से क्वेश्चन क्या बनते हैं? बनता यह है कि दो बार अपवर्तन और एक बार पुनः आंतरिक परावर्तन होता है, क्या? किसमें? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में। और जो हमें रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उस रंगों की पट्टी में बैंगनी रंग क्या होता है? सबसे अंदर, और बाहर क्या होता है? तो लाल रंग होता है। यह बैंगनी रंग हमारे आंखों के साथ 40.8 डिग्री का एंगल बनाती है और यह 42.8 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, अब द्वितीयक इंद्रधनुष को हम बताते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन दो बार, अपवर्तन तो दोनों में दो बार होगा, ठीक है? अपवर्तन इसमें भी कितना? अपवर्तन दो बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, समझिए यहाँ पर अंतर को ध्यान में रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार? दो बार। द्वितीयक है तो दोनों दो बार, और प्राथमिक है, देखिए अपवर्तन दोनों में दो बार होगा, केवल क्या होगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक और दो, प्राथमिक में एक और द्वितीयक में दो, प्राथमिक में एक और द्वितीयक में दो। इसमें जो रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उसमें अंदर होता है लाल और बाहर क्या होता है? ठीक इसके अपोजिट, बाहर क्या होता है? तो बाहर होता है बैंगनी, बाहर होता है बैंगनी। अब यह डिपेंड करता है यह हमारी आंखों के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है? कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं, हम उसको देखते हैं। देखिए यह बैंगनी रंग है, बाहर है, तो हमेशा इस बात से कंफर्म रखिए कि यह एंगल क्या होगा? ज्यादा बनाएगा। यह 54.52, जिसे 54 माना जाता है, कहीं कहीं 54 भी देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी 54.52 मान रहा है, ठीक है? और यह जो है लाल हमारा 50.8 डिग्री का एंगल हमारे आंखों के साथ बनाता है। तो फिर से समझिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है? जिसमें दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वह द्वितीयक है, तो दोनों एक दो दो बार, ठीक है? अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए रंगों के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। बैंगनी को इंग्लिश में भी व्हीट क्या कहा जाता है? व्हीट जियोर। और रेड को क्या कहा जाता है? लाल को क्या कहा जाता है? रेड। तो यानी VR1 क्या होगा इसका ट्रिक? VR1 रंगों के लिए प्राथमिक इंद्रधनुष में VR1 होता है, क्या होता है? VR1। तो पहले भी तो अंदर है और आर तो बाहर है। यह हो गया हमारे इंग्लिश वाले, जो कि वायोलेट, अगर ये सब नहीं समझते हैं, वायोलेट और क्या हो गया? रेड। अब जो इंग्लिश को नहीं समझते हैं, तो समझिए यहाँ पर वायोलेट को इंग्लिश में क्या कहा जाए, हिंदी में क्या कहा जाता है? बैंगनी। और यहाँ पर रेड को क्या कहा जाता है? लाल। रेड को क्या कहा जाता है? लाल। बैगनी और रेड हो गया, तो यहां पर एक टर्म हो जाएगा जो वीयर वाला हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा? बै। और यहां पर क्या हो जाएगा? ला। यहां पर बै और यहां पर क्या हो गया? ला। यानी एक नंबर क्या है? एक नंबर का क्या हो जाएगा? ट्रिक। क्या हो जाएगा? ट्रिक। यही ट्रिक होगा, कहा जाता है ना कि वह एक नंबर का क्या है? एक नंबर। यह क्वेश्चन बराबर करता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर कौन सी रंग होती है तो और बाहर कौन से रंग होते हैं, और हमारी आंखों के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो एक नंबर का क्या है? तो यह जो है एक नंबर के लिए हमारा क्या हो गया? वैसे बैगनी, और लाल से क्या हो गया? लाल। लाल से क्या हो गया? लाल। यानी यह एक नंबर के लिए, और दो नंबर का ठीक इसके अपोजिट होता है, तो दो नंबर के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब आपका एक नंबर वाला कंफर्म है तो दो नंबर क्या है? तो इसके अपोजिट है। यानी दो नंबर, देखिए यहाँ पर बैगनी अंदर है तो यहाँ पर बैगनी बाहर है, यहाँ पर लाल बाहर है तो लाल यहाँ पर अंदर हो गया। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, भाई एक नंबर का क्या है? एक नंबर का बायला है। क्या है? बायला। ये तो मतलब भोजपुरी, देखिए हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो भोजपुरी में भी समझ सकते हैं,
चाहे जो भी ट्रिक्स हो, जो भी माध्यम हो, आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव पावर होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे जो भी भाषाओं में आप समझते हैं, किसी भी भाषा में समझे, लेकिन आपके अंदर कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए और आपको एग्जाम क्रैक करना चाहिए। यह नहीं कि इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में पूरी पढ़ाया जाए तो कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा। हिंदी भी दिक्कतें होती है तो जो है हम ट्रिक के माध्यम से सबको बताते रहेंगे। ट्रिक VR1 है, और जो साफ नहीं कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनके लिए यह है। ठीक है, चलिए। या ट्रिक जो होता है कुछ विशेष वर्ड को मिलकर बनाया जाता है जो कि हमेशा आपके माइंड में रहे। ठीक है, चलिए। तो आप एक बार इंद्रधनुष को समझ ले कि जब रिमझिम बरसात में वर्षा के छोटी छोटी बिंदु पर सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो वह प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है और इसी को इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, जब सूर्य की प्रकाश किरणें जो होती है जिसमें दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर बैगनी, इसके लिए ट्रिक बता दिया है मैंने, अंदर बैगनी और बाहर लाल होता है। बैगनी वाला जो होता है वह हमारी आंखों के साथ प्राथमिक इंद्रधनुष में 40.8 डिग्री का एंगल, जिसे 41 माना जाता है, और जो लाल वाली होती है वह हमारी आंखों के साथ 42.8 डिग्री का एंगल बनाती है जो कि बाहर की तरफ होती है। द्वितीय इंद्रधनुष में दोनों दो दो बार होता है, अपवर्तन तो दोनों में दो दो बार होगा लेकिन पूर्णांतरिक परावर्तन की भी क्लू यहीं पर है, तो क्लू वाले भी क्वेश्चन किए जाते हैं इसमें क्या होता है, दो बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए अगले टर्म्स को हम समझाते हैं। और अगला जो हमारा टर्म्स है वह है रंग, यानी रंग कौन कौन से होते हैं, उन रंगों को समझना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, हम आगे आप सभी को बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इन सभी टर्म्स को क्लियर करते हैं, हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारी प्लस कोर्सेज एक स्टार्ट हुई है, उस प्लस कोर्सेज को आप चाहें तो ज्वाइन कर लें, जिसमें पूर्णतः ट्रिक और सारी मेथड्स के थ्रू आपको मेन पॉइंट, जितने भी एग्जाम पॉइंट है, सबको बताया जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर समझिएगा कि हमारी रंग जो होती है, यहां से रंग तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, तीन प्रकार, फर्स्ट सेकेंड जो होता है, सेकेंड और थर्ड। प्राथमिक रंग क्या होता है, प्राथमिक रंग। ठीक है, उसके बाद होता है द्वितीयक रंग और एक क्या होता है, तृतीयक रंग। तीन प्रकार के रंग होते हैं। तृतीयक रंग जिसे क्या कहते हैं, पूरक रंग के नाम से जाना जाता है, कंप्लीमेंट्री कलर के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी और यह प्राइमरी कलर होता है। ठीक है, अब समझिए प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी रंग जो होता है वह हरा लाल नीला होता है। क्या होता है, हरा लाल और नीला को प्राइमरी रंग कहा जाता है। इसको याद करने का जो ट्रिक है, इसका ट्रिक है हलानी। क्या है, हलानी, यानी क्या, हरा लाल और नीला, यह हमारा हो गया प्राथमिक रंग, यानी हरा लाल और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। द्वितीयक रंगों का जो होता है वह होता है पीला, उसके बाद पिकॉक नीला। क्या होता है, पिकॉक नीला, उसके बाद क्या होता है, मैजेंटा। क्या होता है, मैजेंटा। यह तीनों क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। और इसके जो ट्रिक होते हैं पीपीमय। क्या होता है, इसका जो ट्रिक होता है पीपीमय, यानी हलानी हो गया हमारा हरा लाल नीला, क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग, और द्वितीयक रंग पीला, पिकॉक नीला और मैजेंटा। तो देखिए रंगीन जो हमारी कलर टीवियां आती है, जो रंगीन कलर टीवियां हैं उसमें प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, यानी हरा लाल और नीला का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए इस रंगों का एक कैसे रंगों का मैनेजमेंट किया जाता है, कौन कौन से रंग मिलकर के कौन से रंग का निर्माण करते हैं, तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। और तृतीयक रंग वह रंग होता है जिसको मिलने से श्वेत रंगों का निर्माण होता है। तो ये हम इस एक फिगर के द्वारा हम आप सभी को समझाते हैं। ठीक है, चलिए यह एक फिगर हो गया। ठीक है, यहां पर एक यह क्या हो गया, यह एक फिगर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि हरा लाल नीला को प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग पीला पिकॉक नीला और मैजेंटा को कहा जाता है। इसका ट्रिक पीपीमय है, पी से पिकॉक नीला, पी से क्या हो गया पीला, और मय से क्या हो गया मैजेंटा हो गया। हलानी यानी हरा लाल नीला क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है, और हरा लाल नीला में से कोई ऑप्शन दे देता है, या हरा लाल के अलावा निम्नलिखित में से कौन और प्राथमिक रंग है, और उसमें क्या रहेगा, हरा लाल दिया है तो नीला रहेगा ऑप्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझिएगा, यहां पर यह जो है यह फिगर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, जिस फिगर के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि रंगों का अरेंजमेंट कैसे होता है। लाल हरा और यहां पर क्या है, नीला। यह तो हो गए हमारे प्राथमिक रंग। अब हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इन रंगों के मिलने से क्या क्या बनते हैं। ठीक है,
अब देखिए हरा और नीला जब बनेगा, हरा और नीला मिला तो क्या बना, पिकॉक नीला। क्या बना, पिकॉक रंग भी से कहा जाता है, पिकॉक नीला। यानी अब देखिए लाल और नीला मिला, लाल और नीला मिला तो क्या बना, मैजेंटा। क्या बना, मैजेंटा बनता है। और हरा और लाल जब मिलता है तो क्या बनता है, पीला। क्या बनता है, पीला। फिर से समझिएगा, यह हमारे द्वितीय रंग बन गए, पीला, पिकॉक नीला और मैजेंटा, तीनों बन गए यह द्वितीय क्रम। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, यहाँ पर मैंने ट्रिक भी बता दिया है। अब समझिएगा कि तृतीय रंग कैसे बनते हैं, तो यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। यानी देखिएगा यह और यह इन्हीं दो कलरों को मिलाइएगा, इन्हीं दो कलरों को जब आप मिलाइएगा, यानी पीला और नीला, यहाँ पर समझिए पीला प्लस नीला मिलाइएगा, पीला प्लस नीला तो बनेगा क्या, सफेद रंग। और सफेद रंग बनने वाली जो होती है उसे तृतीय रंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिन दो रंगों के मिलने से श्वेत रंग का निर्माण होता है उसे तृतीय रंग कहा जाता है। उसके बाद समझिए हरा और मैजेंटा, हरा प्लस मैजेंटा अगर आप मिला रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि हरा और मैजेंटा मिलने से क्या बनता है, तो श्वेत रंग बनता है। क्या, श्वेत, श्वेत को हिंदी में सफेद कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। यहां से इन दोनों को या फिर लाल और पिकॉक नीला को मिला दीजिए, लाल और पिकॉक, यह सभी जो है ना, ये सभी श्वेत रंगों का निर्माण करेंगे। चाहे लाल और पिकॉक नीला को मिलाइए, लाल और पिकॉक नीला, यह क्या होगा, यह भी सफेद रंगों का निर्माण करेगा। यानी जो होता है, फिर से समझिएगा, फिर से समझिए कि लाल और हरा, यहां पर देख रहे हैं एरो, लाल और हरा क्या होता है, यह पीले रंग का निर्माण करता है। हरा और नीला या पिकॉक नीला, लाल और नीला क्या बनाएगा, मैजेंटा को बनाएगा। और मैंने बता रखा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं, तो हरा लाल नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, द्वितीय रंग पीला पिकॉक नीला को मैजेंटा। प्राथमिक रंग याद करने का ट्रिक, हलानी, ह से हरा, ला से लाल और नी से नीला हो गया। द्वितीय रंग के लिए पीपीमय होता है, यानी पीला पिकॉक नीला और मैजेंटा। और तृतीय रंग जिन दो रंगों के मिलने से श्वेत रंगों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, तृतीय रंग कहा जाता है। उसमें हरा प्लस मैजेंटा श्वेत रंग, पीला प्लस नीला श्वेत रंग और लाल प्लस पिकॉक नीला श्वेत रंग का निर्माण करेंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया, इन टॉपिक को आप सबने काफी अच्छे से क्लियर कर रखा होगा। तो आज के लिए मैं आप सभी को एक बातें बता देना चाहता हूं कि मेरा, हम लोगों की एक प्लस कोर्सेज स्टार्ट हुई है, उस प्लस कोर्सेज में आप सभी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पूर्णतः साइंस की क्लासेज मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ उसके पीडीएफ नोट्स वगैरह जितने हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सारे चीज कराए जाएंगे। और उसके बाद साइंस की पूर्ण, जीएस की पूर्ण, मैथ्स की पूर्णतः क्लासेज मिलेगी, पूर्णतः मैथ्स की क्लासेज मिलेगी, और रीजनिंग की क्लासेज जो चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। तो आप सभी उस बैच को भी ज्वाइन करें, ठीक है। उसके लिए काफी मिनिमम फी रखा गया है, क्योंकि वेबसाइट वगैरह खर्च और कुछ विशेष प्रकार के कुछ बेहतरीन ढंग से ये सभी एग्जाम के लिए एक एक हम लोग क्लासेज लेकर आएंगे। तो दो एग्जाम अभी आ गए, होमगार्ड और फॉरेस्ट गार्ड, इनके लिए वह बैचेज है। या फिर अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या दिल्ली पुलिस का दे सकते हैं तो भी उसके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जीएस तो सब में समान होता है, मैथ्स समान है, क्योंकि जो हमारी बिहार पुलिस की मैथ्स और उसके सिलेबस है थोड़े से अलग हैं, लेकिन हमारे बिहार पुलिस करता जो क्वेश्चन है उन सबको हम मैथ्स की क्लासेज में आप सभी को डिस्कस करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा यह प्रयास जरूर ही अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, धन्यवाद।